आंख, आंखें कितनी नियामत होती हैं, जिससे प्रकृति की रचना का ज्ञान होता है। आंखें नहीं तो अंधकार, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आंखों की देखभाल करें। आंखों की बीमारियां, मोतियाबिंद, यदि इसका इलाज ना किया जाए तो यह अंधेपन का मुख्य कारण हो सकता है। यह अधिकतर बड़ी उम्र के लोगों में होता है। धीरे धीरे दूर की दृष्टि कम होने लगती है। कभी कभी एक वस्तु दो या अधिक दिखाई देती है। इसका एकमात्र उपचार ऑपरेशन है, जिसमें आंख के लेंस को निकाल दिया जाता है और एक लेंस डाल दिया जाता है। काला मोतिया, इसमें धीरे धीरे बिना चेतावनी दृष्टि कमजोर हो जाती है। जिन लोगों के परिवार में काला मोतिया है, उस परिवार में इसके होने की संभावना अधिक होती है। मधुमेह से पीड़ित लोग में इसका होना अधिक है। सिरदर्द और आंखों में दर्द होता है। इन लक्षणों पे नेत्र चिकित्सक की सलाह लें। दृष्टि दोष, मायोपिया, दूर की वस्तु का धुंधला दिखना, लेंस लगाकर दोष ठीक हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, निकट का धुंधला दिखना, सिर और आंखों में दर्द होना। विटामिन ए की कमी, इससे आंखों में सफेद हिस्से पर भूरे धब्बे नजर आते हैं, रात को दिखना बंद हो जाता है। बच्चों को समय समय पर विटामिन ए देना जरूरी है। कॉर्निया, कॉर्निया आंख के अगले हिस्से में स्थित है, जो पारदर्शी होता है। इस पर किसी कारण चोट या बीमारी से यदि धब्बा बनता है तो इसकी पारदर्शिता कम हो जाने पर दिखाई देना बंद हो जाता है। नेत्रदान से इसका उपचार हो सकता है और नेत्र की रोशनी वापस आ सकती है। नेत्रदान महादान। आंखों की किस प्रकार देखभाल करें? आंखों को तेज हवा से बचाना चाहिए। कंप्यूटर पर देर तक काम करने से बचें। आंखों को मले नहीं, आंखों में पानी के छींटे डालकर साफ रखें। आंखों को सीधी सूर्य की किरणों से बचाएं। सोते समय या तैरते समय कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दें। होली में गुब्बारों से नहीं खेलना चाहिए। दिवाली में अनार और पटाखों से बचना चाहिए। तीर कमान से बच्चों को खेलने ना दें। पौष्टिक आहार, फल, दूध, हरी सब्जियों का सेवन करें। धूम्रपान ना करें।